सैलून में ग्राहक को थूक लगाकर मसाज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने एसपी से कठोर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना तालग्राम कस्बा मोहल्ला जेर किला निवासी यूसुफ उर्फ बोरा के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। यूसुफ उर्फ बोरा कन्नौज जिले के तालग्राम कस्बा के छिबरा मो चौराहे पर एक खोखा रखकर उसमें सैलून का संचालन करता है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सैलून संचालक अपनी दुकान में एक ग्राहक के चेहरे पर मसाज करते समय थूक लगा रहा है। वह अपने ही मोबाइल से इसका वीडियो भी बना रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने सैलून दुकानदार की इस घिनौनी हरकत से नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि सदागति टाइम्स ऐसे किसी वायरल वीडियो की पोस्ट नहीं करता। पुलिस ने वायरल वीडियो की छानबीन की, लेकिन मूक बधिर होने के कारण आरोपी अपनी बात इशारों से बता रहा है। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स। आज सुबह थाना तालग्राम क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जिसमें एक सैलून में जो सैलून कर्मी है फेस मसाज करते हुए जब ग्राहक की आंखें बंद है तो उसमें थूक का प्रयोग कर रहा है। इसमें थाना तालग्राम पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।